कई साल पहले एक बाबा गांव में आए और कई लोग अपने दुखों का समाधान पूछने उनके पास गए। बाबा ने आराम से सबके परेशानियों का हल बताया और सभी को कहा कि संयम रखो और मेहनत करो, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। एक महीना तो ऐसे आराम से चलता रहा, फिर लोग हर बार उसी समस्याओं के बारे में शिकायत करने आने लगे। बाबा ने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने सबको एक पेड़ के नीचे बुलाया और एक दिन उसने उन्हें एक चुटकुला सुनाया और सभी लोग हंसी में झूम उठे। कुछ समय बाद उन्होंने वही चुटकुला फिर से सुनाया और उसमें से कुछ ही मुस्कुराए। जब उसने तीसरी बार वही चुटकुला सुनाया तो कोई भी नहीं हंसा। बाबा मुस्कुराए और बोले, जैसे तुम बार बार एक ही मजाक पे हंस नहीं सकते, वैसे एक ही समस्या पे बार बार रो क्यों रहे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, चिंता करने से आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उस समस्याओं का समाधान करने के लिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए।